हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर आर आर कुकिंग चैनल। तो पिक्चर देखते ही आपको समझ में आ चुका होगा कि आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट्स, जो सबका फेवरेट होता है, खासकर बच्चों का। इस रेसिपी में आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी, उसके साथ अगर आप चॉकलेट बनाओगे तो एकदम बढ़िया चॉकलेट बनेगी आपकी। इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो देखिए ये चॉकलेट्स इतने परफेक्ट बने हैं, एक चॉकलेट फ्लेवर है और एक मिल्क बार। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में इस तरह से पानी ले लिया है। यहाँ हम कांच का वेसल यूज़ करने वाले हैं, जो चॉकलेट के लिए परफेक्ट है। हमें इस तरह से इस पर रख देना है और ये हम गैस पर रख देंगे, क्योंकि ये चॉकलेट जो हम बनाएंगे वो डायरेक्टली हीट पे नहीं होती है, इसे हम स्टीम देकर ही बनाने वाले हैं। तो ध्यान रहे, आप जब भी बनाओगे तो सिर्फ कांच का ही यूटेंसिल आपको यूज़ करना है। तो चलो इंग्रेडिएंट्स में हम देखते हैं। एक चम्मच कोको पाउडर लिया है, 2 चम्मच ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर, शुगर ली है 3 चम्मच, जो रेगुलर शुगर है मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर ली है। यहाँ वनस्पति घी लगेगा। ये पूरी प्रोसेस हमें सिर्फ वनस्पति घी को ही यूज़ करके करनी है, क्योंकि इसमें बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए यही यूज़ करना है। फिर बटर लगेगा, 1/2 चम्मच एक बार डालेंगे और 1/2 चम्मच हम लास्ट। तो यहाँ देखिए पानी नीचे उबल चुका है, तो हम ये घी इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मेल्ट होने देना है। इसे चलाते जाइए। पूरा मेल्ट होने के बाद हम 1 बाय 1 इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से पूरा मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम चोको पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करना है, इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। फिर ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर, यानी जो बच्चों को हम दूध के साथ देते हैं, बोर्नविटा या और जो भी आपको अच्छी लगे, इसे अच्छे से मिक्स करते जाए। फ्रेंड्स, चॉकलेट बनाते समय सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि इसका प्रपोर्शन हमें परफेक्ट लेना है, क्योंकि अगर ये प्रपोर्शन गलत हो गया तो शायद चॉकलेट हमारी बिगड़ सकती है। तो यहाँ वनस्पति घी मैंने 2 चम्मच लिए थे, ये सबसे पहले ध्यान रखें। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम 2 चम्मच शुगर ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि शुगर अपनी रेगुलर ही यूज़ करनी है, सिर्फ इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। तो ये देखिए, तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमें देखिए, 2 चम्मच मैंने यहाँ मिल्क पाउडर ऐड कर लिया है। इसे मिक्स करते जाना है हमें। अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक चलाते रहिए, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तब तक ये मिक्स करते जाना है हमें। देखिए कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की चाहिए, तो चलाते जाइए। यहाँ ये परफेक्ट हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा बटर ऐड कर लेंगे, बटर से इसमें थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाएगा। तो मिक्स करते जाना है। बटर यहाँ हम 2 बार ऐड करेंगे। यहाँ हम बाउल नीचे उतार देंगे, गैस ऑफ कर देंगे। और ये जो बैटर की कंसिस्टेंसी है, ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। ये ठंडा होगा तब तक हम ये ट्रे ग्रेस कर लेंगे। यहाँ मैंने ऑयल से किया है, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छे से ग्रेस करें ताकि चॉकलेट इजीली निकल आए। यहाँ मैंने दूसरी बार बटर डाल दिया है, इसे मिक्स कर लेंगे।
अब इसे हम ट्रे में ऐड कर लेंगे इस तरह से। देखिए जब हम ऐड करेंगे तो इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि जो भी डिज़ाइन रहेगा वो एकदम परफेक्ट और बढ़िया मिलेगा हमें। इस तरह से ये एकदम रेडी हो चुका है। इसे हम फ्रिज में रख देंगे 3 मिनट तक ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब 3 मिनट बाद हम देखेंगे तो इस तरह से ये चॉकलेट्स अच्छे से बैठ गई है। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और इजीली निकल आ रही है। एकदम सिंपल मेथड से हमने ये बनाया है। तो यहाँ मैं सारे चॉकलेट्स निकाल लूँगी। ये हमारे चॉकलेट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम सेकंड स्टेप में देखेंगे। यहाँ हमें मिल्क चॉकलेट के लिए भी हमें वही इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो 2 चम्मच यहाँ बटर, 2 चम्मच वनस्पति घी, 2 चम्मच शुगर और 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वही प्रोसेस हमें रिपीट करते जानी है इसलिए मैं यहाँ फास्ट बताऊँगी। हमने ये घी ऐड कर लिया है, इसे से मेल्ट होने देना है। देखिए इस तरह से अब ये मेल्ट हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर को अच्छे से मिक्स करना है। वही प्रोसेस रिपीट करनी है, सिर्फ याद रखें ये प्रोपोर्शन परफेक्ट लेना है हमें। यहाँ 2 मिनट तक इसे मिक्स करते जाना है। फिर बाद में हम यहाँ मिल्क पाउडर ऐड करने वाले हैं। देखिए इस तरह से मिल्क पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। बाद में ये बटर मिक्स करते जाना है। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं। चलाते जाइए, मिक्स करते जाइए। हमें इस तरह का टेक्सचर चाहिए। अब इसे हम ठंडा होने देंगे और अब दूसरी बार हम फिर से ये बटर ऐड कर देंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। बटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसे हम ठंडा होने देंगे। तब तक यहाँ दूसरी तरफ हम ट्रे को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ हमारा ट्रे भी रेडी हो चुका है। अब इसमें ये बैटर हम डाल देंगे। डालते समय अच्छे से प्रेस करना है। और ये ट्रे हमारा रेडी हो गया है। इसे भी हम 3 मिनट बाद चेक करेंगे तो इस तरह के चॉकलेट्स यहाँ हमें मिल जाएगी। तो वही प्रोसेस रिपीट करनी है। देखिए इसका डिज़ाइन कितना अच्छे से निकल आया है, एकदम बढ़िया। और ये मैं सारे निकाल लूँगी इस तरह से। हमारे होममेड चॉकलेट्स एकदम रेडी हो चुके हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के लिए हमसे मिलते रहे, हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब RR कुकिंग एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक यू।